बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ HD। शामिल करेंगे 26 न्यूज़ हेडलाइंस। शेख रशीद ने जैसे रेलवे का बेड़ा गर्क किया, वजारत दाखिला कभी करेंगे। तर्जुमान PTM मियां इफ्तिखार कहते हैं शेख रशीद की बात की कोई अहमियत नहीं। लोग सोच रहे थे PTM में फूट पड़ेगी। रुकन जमातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिलावल एहतजाज में शरीक नहीं तो उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। मौलाना गफूर हैदरी का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन के बाहर 6 जो आए थे कि सेक्रेटरी जनरल का कहना था हुकूमत से मुल्क की सिक्योरिटी संभाली जा रही है, ना ही मुहैशियत। गरीब लोग अस्पतालों के बाहर तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, शिबली फराज ने ब्रॉडशीट पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कौमी दौलत की लूटमार में फंसे पर्दा अनासर भी बेनकाब होंगे, फ़ायदा उठाने वालों को शामिल तफ्तीश करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की जानिब से सिफारिशात पर गौर। PTI ने गैर कानूनी ज़राए से फंडिंग ली और इन फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसन इकबाल कहते हैं नून लीग का कोई खुफिया अकाउंट नहीं, ममनुआ ज़राए से कोई फंडिंग नहीं हुई। मरियम औरंगजेब ये कहती हैं इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग के जरिए साजिश का योम हिसाब आ चुका। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की, वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कौम सानिया मॉडल टाउन भी कभी नहीं बुला सकती। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना था कौम आज चोर मचाए शोर का अमली मुजाहरा देखेगी। नून लीग ने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड और रसीदें नहीं दिखाई। अपोजिशन का बेवक्त एहतजाज, बेवक्त की रागनी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतजाजी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। PTM वाले आवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। फिरदौस आशिक आवाम ने कहा राजकुमारी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, फजलुर रहमान को इकतदार का दर्द कभी चैन नहीं लेने देगा। फ्लैट्स अलाटमेंट, नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कर्क कर ली। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में जमा। दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर। आइंदा समात पर शरीक मुलजम हमायूं फैज भी तलब, जज असद अली ने रेफरेंस पर समात की। शहबाज शरीफ की जेल में मेडिकल बोर्ड देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, शहबाज शरीफ के 2 डॉक्टर भी शामिल किया जाए। वकील अमजद परवेज का एहतसाब अदालत में मौकफ। जाली अकाउंट ट्रांजैक्शन केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 4 फरवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, रेफरेंस बदनीति पर मबनी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब को बेनकाब करने की जद्दोजहद जारी रहेगी, सलीम मांडवीवाला का रद्द अमल। कोरोना दोबारा फैला तो तालीमी अदारे बंद कर देंगे, वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं छुट्टियों के होमवर्क और MCQs अपग्रेड कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स रजिस्ट्रेशन पहली बार ऑनलाइन की गई, इस बार बगैर इम्तिहान कोई बच्चा प्रमोट नहीं किया जाएगा। और गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर में सरमाई खेलों का आगाज, पाक फिजाया के स्केयर्स ने 15वीं शाहान अल्पाइन स्केयर कैंप में 5 तगमे जीतकर मैदान मार लिया। सलालम कैटेगरी में 3 पोजीशंस पाक फिजाया के स्केयर्स ने हासिल की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newshd.tv।